नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय प्रताप सिंह। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी और हिंदुस्तान पर। हाजिर हूं एक बार फिर एक और नए किस्से के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे शख्स की जिन्होंने हिंदी में गज़ल लिखने की शुरुआत की, जिन्हें आयु तो बहुत कम मिली लेकिन शोहरत इतनी मिली जिसे कमाने में लोगों को वर्षों लग जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दुष्यंत कुमार जी की। इनके साहित्यिक जीवन से परिचय करने से पहले जरा इनके व्यक्तिगत जीवन से परिचय कर लें। इनका जन्म दुष्यंत कुमार त्यागी के रूप में 27 सितंबर 1931 को बिजनौर में हुआ और 30 दिसंबर 1975 को इनका देहांत हो गया। वे एक हिंदी कवि, कथाकार और गजलकार थे। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में जन्मतिथि 1 सितंबर 1933 लिखी है, किंतु दुष्यंत साहित्य के मर्मज्ञ विजय बहादुर सिंह के अनुसार वास्तविक जन्मतिथि 27 सितंबर 1931 है। कोई चाहे लाख मना कर ले, लेकिन हर कवि की रचनाओं में उसके व्यक्तिगत अनुभव व जीवन में आई कठिनाइयों की छाप होती ही है, जिसे मर्मज्ञ ही समझ सकते हैं। इनकी रचनाओं में भी आप इनके व्यक्तिगत जीवन की झलक साफ देख सकते हैं। जिस समय इन्होंने साहित्यिक जगत में अपने कदम रखे, उस समय भोपाल के शायर ताज भोपाली तथा कैफ भोपाली का गज़ल की दुनिया में बोलबाला था। बावजूद इसके इन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर अपना सिक्का जमाया। शुरुआत में वे परदेसी नाम से लिखा करते थे, बाद में वो अपने नाम से लिखने लगे। वैसे तो वह मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के अंतर्गत भाषा विज्ञान में काम करते थे, लेकिन आपातकाल ने उनके अंतर्मन को झकझोर कर रख दिया। हृदय की क्षुब्धता को व्यक्त करने हेतु इन्होंने अपनी गजल संग्रह साये में धूप लिखी, जो उनकी कालजयी कृति बन गई। हालांकि ये सरकार के कोप भाजन के शिकार भी हुए, जो लाजमी था। वे सरकारी सेवा में रहने के साथ ही उनके विरोध में लिखा करते थे। 2015 में आई फिल्म मसान का एक गीत है, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। ये अंश उनकी इसी शीर्षक से लिखी गजल से ली गई है। आइए आपको भी सुनाता हूँ ये गजल। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गजल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आँखों में, एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। हर तरफ ऐतराज होता है, हर तरफ ऐतराज होता है, मैं अगर रोशनी में आता हूँ। एक बाजू उखड़ गया जब से, एक बाजू उखड़ गया जब से, और ज्यादा वजन उठाता हूँ। मैं तुझे भूलने की कोशिश में, मैं तुझे भूलने की कोशिश में, आज कितने करीब पाता हूँ। कौन ये फासला निभाएगा, मैं फरिश्ता हूँ सच बताता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ सच बताता हूँ। वे साहित्य की कई विधाओं में लेखन करते थे। उन्होंने कई उपन्यास लिखे, जिनमें सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी सम्मिलित हैं। उन्होंने एक मसीहा मर गया नामक नाटक भी लिखा। उन्होंने काव्य नाटक एक कंठ विष्पाई की भी रचना की, लघु कथाएं भी लिखीं। उनके इस संग्रह का नाम मन के कोण है। दुष्यंत कुमार की रचनाओं में समसामयिक विषयों का वर्णन मिलता है। वो गजल की लीक प्रेम से हटकर आसपास हो रही घटनाओं को अपनी लेखनी का आधार बनाते हैं। वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जिसमें कोई अभाव में ना रहे। देश में गरीबी इस कदर है कि लोग अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें भरपेट खाने को भी नहीं मिलता। इन परिस्थितियों से दुष्यंत कुमार कराह उठते हैं। वे कहते हैं, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए,
कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुल मोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुल मोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुल मोहर के लिए, मरे तो गैर की गलियों में गुल मोहर के लिए। समाज में पनप रही संवेदनहीनता और मानवीय संवेदनाओं के ह्रास पर वे कहते हैं, इस शहर में वो कोई बारात हो या वारदात, इस शहर में वो कोई बारात हो या वारदात, अब किसी भी बात पर खुलती नहीं है खिड़कियां। हमें यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि वर्तमान समय में हिंदी गजल जहां खड़ी है उसकी नींव दुष्यंत कुमार ने ही डाली थी, लेकिन नियति बेहद क्रूर है। मात्र 43 वर्ष की अल्प आयु में हृदयाघात से उनका निधन हो गया। इसके साथ ही एक और नक्षत्र हमेशा के लिए अस्त हो गया, लेकिन वे अपनी रचनाओं के माध्यम से सदैव ही युवाओं के प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। आज का एपिसोड तो यहीं खत्म होता है, लेकिन हम हाजिर होंगे एक और नए किस्से को लेकर अगले शुक्रवार को। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और हाँ, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।